हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, लिखता है गणेश लिमिटेड इशू द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन में ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹1, अलॉटमेंट में 3 है इसमें भी प्रीमियम है ₹1, फर्स्ट कॉल में 3 इसमें भी 2+1 एंड फाइनल कॉल में 4 3+1। तो हम लोग पहले इसको नोट कर लिए। इसमें देखो सब में प्रीमियम है, फिर लिखता है एप्लीकेशन आया 30,000 शेयर्स के लिए, प्रोराटा अलॉटमेंट किए 24,000 एप्लीकेशंस को। तो 24,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट किए, यानी 24,000 को 20,000 दिए, 4,000 एडजस्ट होगा, बच गया 6,000, इसको रिफंड कर देंगे। टोटल 30,000 एप्लीकेशन आया जिसमें 20,000 अलॉट हुआ, 4,000 एडजस्ट हुआ और 6,000 रिफंड हुआ। तो 30,000 एप्लीकेशन का ₹4 करके आया 1,20,000। ट्रांसफर करेंगे तो 1,20,000 टोटल आया, कैपिटल में जाएगा ये वाला। तो 20,000 इंटू एप्लीकेशन में देखो कैपिटल का है ₹3 करके, तो 20,000 शेयर्स का ₹3 करके जाएगा कैपिटल में, ठीक है। 20,000 शेयर्स का ₹1 करके प्रीमियम में जाएगा, 4,000 शेयर एडजस्ट हो रहा है, तो 4,000 इंटू 4 करके ₹16,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और 6,000 इंटू 4 करके ₹24,000 रिफंड होगा। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, 20,000 शेयर्स का ₹3 करके मांगे जिसमें ₹2 कैपिटल और ₹1 प्रीमियम। अलॉटमेंट में 60,000 मांगे हैं, पहले से 16,000 अलॉटमेंट के लिए जमा है, तो और मिलना चाहिए 44,000। अब देखो लिखता है एक्स हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। वाई हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर फेल टू पे द टू कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। तो एक्स अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर एक्स फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिए। अलॉटमेंट में सिर्फ एक्स का एरियर्स है, 44,000 मिलना चाहिए था, यहां एक्स पैसा नहीं दिया। तो एक्स के लिए हम लोग एक वर्किंग करेंगे। 20,000 शेयर अलॉट हुआ आउट ऑफ 24,000 एप्लीकेशन, तो 1 आउट ऑफ होगा 24/20। एक्स के पास है 500 शेयर्स, तो इसका एप्लीकेशन आएगा 600, यानी वो 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो एक्सेस एप्लीकेशन भेजा था 100, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो गया उसका ₹400। अभी उससे अलॉटमेंट में हमको लेना था 500 इंटू 3 ₹1,500, 1,500 में 400 पहले से जमा है, तो बच गया ₹1,100। ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स। एक्स का अलॉटमेंट में आया एरियर ₹1,100, तो टोटल मिलेगा 42,900। अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगे हम लोग 20,000 शेयर का ₹3 करके, जिसमें ₹2 कैपिटल और ₹1 प्रीमियम। अब रिसीव करेंगे, यहां दो जन नहीं दिया, एक्स भी नहीं दिया और वाई भी नहीं दिया, लेकिन वाई का अप्लाइड दिया है 1800 शेयर्स, तो पहले इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। 24,000 एप्लीकेशन में हम लोग 20,000 शेयर अलॉट किए, तो एक में हो गया 20/24, तो 1800 के लिए होगा 1500, यानी वाई को हम लोग 1500 शेयर अलॉट किए थे और एक्स को हम लोग 500 शेयर अलॉट किए, यानी 2000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। तो 2000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का ₹3 करके नहीं मिला, यानी नहीं मिला हम लोग को 6000, तो फर्स्ट कॉल में आया 54,000। अब हम लोग एक्स के शेयर को फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए, तो एक्स का शेयर फॉरफिट किए तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप है कैपिटल के लिए ₹7। देखो एप्लीकेशन में कैपिटल का ₹3, फर्स्ट अलॉटमेंट में ₹2 और फर्स्ट कॉल में ₹2, टोटल ₹7 कॉल्ड अप है हम लोग का फर्स्ट कॉल तक कैपिटल के लिए। और प्रीमियम जो जो नहीं मिला वो डेबिट होता है, तो प्रीमियम अलॉटमेंट का नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, यानी ₹2 प्रीमियम वो नहीं दिया। तो ₹7 कैपिटल का कॉल्ड अप है, ₹2 प्रीमियम का वो नहीं दिया, तो ₹1,000 प्रीमियम के लिए डेबिट करेंगे। कॉल सीन एरियर अलॉटमेंट में उसका ₹1,100 निकला था और फर्स्ट कॉल में 500 इंटू 3 यानी 1500, टोटल एरियर हो गया 2600, तो फॉर फ्यूचर में चला जाएगा 1900। अब उसके बाद फाइनल कॉल मांगेंगे, तो फाइनल कॉल में उसका 500 शेयर माइनस करके मांगेंगे, तो 19,500 से उसका ₹4 करके, जिसमें ₹3 कैपिटल और ₹1 प्रीमियम। अब यहां पर वाई फिर पैसा नहीं दिया, वाई के पास है 1500 शेयर्स, 1800 अप्लाई किया था लेकिन उसको 1500 अलॉट हुआ था, तो 1500 शेयर का ₹4 करके एरियर हो गया, यानी 6000। अब वाई के शेयर को भी फॉरफिट करेंगे, तो कैपिटल के लिए कॉल्ड अप तो पूरा ₹10 है, प्रीमियम जो जो नहीं मिला वो डेबिट करते हैं, तो यहां ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का प्रीमियम नहीं दिया ₹2 करके। एरियर इसका फर्स्ट और सेकंड कॉल का है ₹7 करके, तो गया 10,500, तो फॉर फ्यूचर में चला जाएगा 7,500। अब दोनों का शेयर फॉरफिट हो गया, लिखता इसमें से 1700 शेयर री इशू किए। देखो लिखता 1700 शेयर री इशू किए फुली पेड अप ₹8 करके, जिसमें वाई का सारा इंक्लूडेड है। तो 1700 शेयर री इशू किए ₹8 करके, यानी 13,600 फुली पेड अप है, तो 1700 शेयर ₹10 वाला यानी हो गया 17,000, तो बच गया 3400। 3400 शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्ट करेंगे। अब लिखता है जो 1700 री इशू किए इसमें वाई का सारा री इशू कर दिया, यानी वाई का 1500 री इशू किए, तो 1700 में वाई का 1500 री इशू किए, तो बाकी 200 हम लोग एक्स का री इशू किए। एक्स का 500 शेयर्स के लिए फॉर फ्यूचर में 1900,
तो 1 के लिए हो जाएगा 1900 बाई 500, तो 200 के लिए हो गया 760, और वाई का 1500 शेयर जो रीइशू किए उसके लिए फॉर फीचर में 7500, यानी टोटल जो 1700 रीइशू के लिए उसके लिए फॉर फीचर में है 8260। 8260 में हम लोग यूटिलाइज कर लिए 3400, तो बच गया हम लोग का 4860, यही हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री करेंगे शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 4860। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक इलस्ट्रेशन हम आपको बनाने देंगे, उसको जरूर से बना लीजिएगा।